आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बिट में। मैं आपके सामने आज नया वीडियो लेकर आया हूँ, लाइव इंट्राडे चार्ट एनालिसिस फॉर क्रूड ऑयल। मैं आपके सामने आज क्रूड ऑयल का चार्ट एनालिसिस करूँगा लाइव मार्केट में, जो अभी अमेरिकन मार्केट ओपन है, तो उसके हिसाब से मैं उस अमेरिकन चार्ट पर जो है लाइव एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो मैं लेकर चलता हूँ आपको चार्ट पर। तो चार्ट पर जैसा आप देख पा रहे होंगे, मैंने बहुत सारी लाइन ड्रॉ की है। तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, प्राइस एक्शन किस तरह से वर्क करता है। मैं आपको लास्ट वाले जब अपने मुझे मेरे प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो आपको सब दिखेंगे मैं इस तरह से ही चार्ट को एनालिसिस करता हूँ, इस तरह से मैं ट्रेड लेता हूँ। तो देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये 3 अप्रैल की का कैंडल है ये। तो इसमें देखिए, इसने एक यहाँ पर एक सपोर्ट फेस किया था, इसने फिर यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था दूसरी बार, फिर तीसरी बार ऑलमोस्ट नहीं टच किया था, बट ऑलमोस्ट तीसरी बार भी सपोर्ट लिया था इसने यहाँ पर, फिर इसने चौथी बार एक सपोर्ट लिया, फिर इसने एक पांचवी बार सपोर्ट लिया, बट ये एक फेक ब्रेकआउट हो गया। क्यों फेक ब्रेकआउट हुआ? क्योंकि इसने एक क्लोज तो किया एक कैंडल, बट उसके नीचे किसी ने, इस वीक के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ, ये एक फेक ब्रेकआउट हो गया। इसमें बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, वो लोग सेल कर देते हैं और ये प्राइस फिर वही उसी प्राइस से फिर ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है। तो हमें फॉल्स ब्रेक, हमें अगली कैंडल का वेट करना है, क्लोज होने का वेट करना है। देखिए, इस वीक के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, तो हमें हमेशा क्लोजिंग का वेट करना है, तभी हमें एंट्री लेना है। भले हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा 1 रुपया ऊपर हो जाए, बट हमें कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है हमेशा। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, फिर इसने शानदार से ऊपर गया। तो जब इसी पर, इसी समय पर आप देख रहे होंगे, ये 7 तारीख आज का ही बात है, आज का सुबह का, ठीक है। तो यहाँ पर एक देखेंगे, फिर मैंने दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। देखिए, इस ट्रेंड लाइन का भी क्या है, देखिए यहाँ पर इसने, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इसने यहाँ पर एक बार सपोर्ट रेसिस्टेंस फेस किया, इसने यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस किया, इसने यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस किया। तो ऑलमोस्ट जो है, इसने इस ट्रेंड लाइन पर बहुत बार, 4-5 बार रेसिस्टेंस फेस किया है, और फिर एक तरह से ट्रायंगल फॉर्म हो गया, एक सपोर्ट और एक रेसिस्टेंस को फॉर्म करके एक ट्रायंगुलर ट्रायंगल फॉर्म हो गया। और इसने यहाँ पर देखिए, एक शानदार सा ब्रेकआउट दिया यहाँ पर। ब्रेकआउट देने के बाद ये क्लोज हुआ कैंडल इसके ऊपर, और यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते तो यहाँ पर भी इंडियन चार्ट पर आपको 30 पॉइंट 40 पॉइंट आराम से मिल जाता, ठीक है। फिर प्राइस एक रेंज पर फंस गया, एक रेंज में फंस गया। देखिए, इस एक हाई लगा रहा है, बट इस हाई के ऊपर फिर क्लोज नहीं कर पा रहा, एक ही हाई पर ये फंस जा रहा है। अब देख रहे होंगे, प्राइस बहुत देर तक जो है एक ही प्राइस पर मूव कर रहा है, ये प्राइस एक ही प्राइस पर प्राइस मूव कर रही है, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने एक फिर एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। इसमें देखिए, यहां पर इसने यहां एक बार सपोर्ट लिया, इस ट्रेंड लाइन पर इसने यहां पर एक बार सपोर्ट लिया, इसने यहां कितनी बार सपोर्ट लिया देख पा रहे होंगे। और यहां पर फिर मैंने एक दूसरा ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, इसने यहां पर एक सपोर्ट लिया, इसने यहां पर एक सपोर्ट लिया, और देखिए ये प्राइस पे भी फंस गया है। देखिए, मैंने आपको आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में बताया, देखिए आरएसआई डाइवर्जेंस कितनी अच्छी तरह से काम करता है। ये देखिए, आरएसआई डाइवर्जेंस मुझे बता रहा है कि नीचे आएगा। ये देखिए, प्राइस एक ही हाई लगा रहा है, ऊपर जा नहीं रहा, और एक ही हाई पर एक, देखिए यहाँ पे एक नया हाई बनाया वीक किया, तो एक तरह से ये ऊपर गया, बट प्राइस जो है मेरा नीचे आ रहा है, जो आरएसआई डाइवर्जेंस मुझे बता रहा है कि प्राइस नीचे आ रहा है। और देखिए, इसने कितनी अच्छी तरह से ब्रेकआउट दिया और एक डोजी बनाया, और देखिए फिर कितनी अच्छी तरह से ये नीचे आया। तो हम लोग अनलकी थे आज की, हम लोगों ने इसमें ट्रेड नहीं कर पाए, चूंकि इंडियन मार्केट जो है क्लोज हो गया था तब तक 3 बजे तक, तो हम लोग इस पर एंट्री नहीं बना पाए। बट ये देखिए, कितनी अच्छी तरह से इसको ब्रेकआउट दिया, और आरएसआई डाइवर्जेंस मुझे बता रहा है कि ये नीचे ही जाएगा। और ये देखिए, जब इसने ब्रेकआउट दिया और ये कितनी अच्छी तरीके से नीचे गया। तो हमें हमेशा अपने चार्ट एनालिसिस पर भरोसा करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, तो हमें जो है कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड लेने में। देखिए किस तरह से ये सपोर्ट, और ये देखिए एक चीज और बताता हूँ, ये सपोर्ट पर जितनी बार प्राइस आता है कम ड्यूरेशन में, वो उतना ही वीक हो जाता है। देखिए, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, 6, 7, 8 बार आया। देखिए ये कितना, 2 दिन के इंटरवल में, 48 आवर के टाइम फ्रेम में इसने इस प्राइस को ऑलमोस्ट 8 to 10 बार टच कर लिया, तो वो उतना ही वीक हो गया। और देखिए, इसने अभी ब्रेकआउट दे दिया, और यहाँ पर देखिए एक रिवर्सल कैंडल पैटर्न बनाया था, इसके नीचे ये क्लोज कर किया था, और अभी अगर अगर कोई किसी का अकाउंट होगा अमेरिकन पे, देखिए यहाँ पर सेल करेंगे तो किसी प्रॉफिट हो रही होगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करता हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल का नाम है ब्रांडरी।